पंजाब के अध्यक्ष कौशल कुमार शर्मा और केंद्रीय मंत्री युवराज मट्टू के नेतृत्व में शिवसेना टकसाल ने हाल गेट पर केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। सुधीर कुमार सूरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिवसेना टकसाली भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के लिए शिवसेना को हमेशा सलाम करेगी। देखो जी, आज मोदी साहब का जन्मदिन है, जन्म दिहाड़ा है। सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक, बधाइया वाला दिन है, खुशियां वाला दिन है। यहो जे योधे दुनिया में बड़े घट आते हैं, जो आते हैं तो जोड़े विरोधी होंगे ने उन्होंने जीन नहीं देंगे, लेकिन मोदी साहब की जगह से कोई दूसरा भी कोई लीडर होएगा वो यहोजे काम करेगा, असं वो भी खड़े होवे, चाहे किसी भी पार्टी का रिलेटड हो। देखो किसान ने पुतला फूकया, ये उन्होंने सोच है। असी बर्थडे मना रहे हैं, ये साड़ी सोच है कि साडे वास्ते खुशी का दिन है। उन्होंने क्यों पुतला साड़िया सानू नहीं पता, लेकिन किसी के जन्म दिहाड़े के उपर यहोजे गलत काम करने अच्छी गल नहीं। पंजाब के कहा जा रहा कि नरेंद्र मोदी उन्होंने माहौल खराब किया जा रहा, 500 तो 600 उपर किसान शहीद हो गए, पर नरेंद्र मोदी का रवैया तक नहीं चेंज हो रहा किसान। देखो एक लीडर मेरे को ना लगे भी ऐसे ही रूबरू प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वो भी यहो लफ्ज गए थे, एक लीडर है राष्ट्रीय लैवल के उपर इंटरनेशनल लैवल का ला लो कि जिन्हों कई देश झुक झुक के सलाम करते हैं, वो साडा रुतबा किस तरह बनया मोदी साहब कारण। अज तो मोदी साहब के आने तो पहले यहोजा रुतबा क्यों नहीं सी हैगा, इनू भी देखना चाहिए, परखना चाहिए। रही गल किसानां दे मसले दी, एक प्रधानमंत्री देश नू चला रहा है, कई मुल्कां दे नाल मीटिंग चल रही है, जे उन्होंने कोई यहोजा बिल पास होया बाकी धड़ेबंदियों के नाल साइन हो के बकायदा बिल पास होंदा, कल्ला कोई नहीं कर सकता। बिल पास होया कुछ सोचा होएगा, कुछ समझा होएगा, उस बिल नू असी परख के वेखीए, एक फसल उहदे च वेच के वेखीए, जे वो फसल वेचण दा सानू नुकसान हुंदा होवे फिर असी धरना लाने के हक च हैगे आ, ते जे असी उहनू परखिया ही नहीं, असी उहनू वरतिया ही नहीं, उस तो बिना ही असी लगे हाँ, वो बेवकूफ़ी है। मैं वो बारे की कह सकता, नहीं तो कह रहे बेवकूफ़ी है, किसानों ने कहा कि सानू लगता कि साडा इत्थे नुकसान हो रहा पर साडे उत्ते बिल जान के थुपे जा रहे। मेरी गल सुनो, किसानों ने कहा कि साडा ये बिल के उपर नुकसान हो रहा है, जे अज एक साल हो गया किसानों नू धरना लाया होया तां वी ते नुकसान हुंदा पिया, जे असी वो एक साल 12 महीनों के 365 दिन असी एक फसल वेच के वेख लेंदे हो सकता सानू फायदा ही हुंदा, नुकसान ना होंदा। समझाए ने बिल, समझाए ने सब नू, देखो मैनू बिलों बारे इन्नी नॉलेज नहीं हैगी, लेकिन सरकार ने मीटिंगा भी कीतियां, एक एक गल हो जाती है, एक जिद फड़ी जाती है, हुण जिद के तहत कुछ यहोजे बंदे ने यहोजियां पार्टियां जो मुल्क तो बाहर बैठिया ने जिन्हां दे शैओ दे उपर फंडिंग दे उपर यह सारा सिस्टम चल रहा है, जिहड़े असल च किसान हैगे ने उह अपनी खेतीबाड़ी कर रहे ने। तुसीं देखिया होगा कि पिछली दिन धरना लगा सीगा गन्ने नूं लै के, वो मिंटो मिंट सोल्व हो गया क्योंकि उहदे विच बाहरले मुल्क दी फंडिंगां दा सिस्टम नहीं चल सकिया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NRI ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।